4 जून के चुनाव परिणाम के बाद क्या राजस्थान में सचमुच सूबे का मुखिया यानी मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा? अब ये सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, जिस तरीके से तीनों राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो चौंकाया था, क्या भाजपा 4 जून के बाद एक बार फिर चौंका सकती है? इसकी बात राजनीतिक गलियारों में लोग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखिए भाई, जब रिजल्ट आए थे विधानसभा के, तो उस वक्त किसी को पता नहीं था कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, विष्णुदेव साहे को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन बना दिया, और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जिसकी तो दूर दूर तक कोई चर्चा भी नहीं थी। चर्चा में बहुत दिग्गज नेता शुमार थे, लेकिन वो दौर अचानक थमा और भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने ऐसे नाम ढूंढ ढूंढ कर निकाले जिसकी दूर दूर तक सचमुच कोई चर्चा नहीं थी। तो अब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या 4 जून को लोकसभा के चुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं, उसके बाद भी भाजपा ने जैसे पहले चौंकाया था, क्या एक बार फिर चौंकाएगी? और चौंकाने वाली बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि भाजपा 400 पार का सपना देखकर बैठी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार हो सकता है कि भाजपा को एक बड़ा नुकसान हो। और जिस प्रदेश से भाजपा को नुकसान है, उसकी गाज वहां के मंत्री और सूबे के मुखिया पर गिरना तो तय है। तो राजस्थान की बात आज हम कर रहे हैं, और राजस्थान की बात इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरीके से राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल लाल शर्मा अचानक जो है नाम घोषित करके सबको चौंकाया था, लेकिन अब 8 से 10 सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा की स्थिति कमजोर है राजस्थान के अंदर। इस बात की पुष्टि खुद भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कहा है, 1-2 सीटों पर तो हमें नुकसान हो सकता है राजस्थान में। और सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के, उन्होंने भी कहा है 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर हमारी स्थिति कमजोर है। तो क्या सचमुच जिस तरीके से भाजपा के नेता भी मानने लगे हैं कि स्थिति कई सीटों पर कमजोर है, अब आंकड़े ऐसे आ रहे हैं कि भाई डबल डिजिट में भाजपा को नुकसान हो सकता है। लेकिन नुकसान अगर भाजपा को 8 सीटों पर भी होता है, जैसे मैंने सीटें कई बार गिनवाता रहता हूं कि किन किन सीटों पर भाजपा को नुकसान है, वो आप खबरों में देखते हैं, लेकिन अगर सचमुच नुकसान होता है तो क्या मुख्यमंत्री बदले जाएंगे? बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर आलाकमान इस बात को चाहेगा कि मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, चुनाव की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर रखी थी वो बखूबी निभा नहीं पाए, या निभाने के बाद भी कोई बड़ा फायदा हो नहीं पाया, उल्टा नुकसान हो गया, अगर ऐसा होता है तो सचमुच मुख्यमंत्री के ऊपर गाज गिर सकती है। क्योंकि जैसा हमने पहले बताया था, भाजपा मंत्रियों को तो निर्देश दे चुकी थी लोकसभा चुनाव से पहले कि अगर जिस मंत्री के क्षेत्र में प्रत्याशी को नुकसान होता है तो इसका खामियाजा जरूर उस मंत्री को भुगतना पड़ सकता है, उस मंत्री के ऊपर गाज गिर सकती है। तो जब मंत्री के ऊपर गाज गिर सकती है तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी गाज गिर सकती है। अब लोग चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि भाई पार्टी का फैसला है मुख्यमंत्री बदला जाएगा या फिर नहीं बदला जाएगा, लेकिन अगर बदलते हैं तो वो कौन दावेदार हो सकते हैं? क्या फिर से राजस्थान में वसुंधरा युग की शुरुआत हो सकती है? क्या किरोड़ी मीणा को मंत्री बनाने के बाद जो मीणा समुदाय खुश नहीं था, वो चाहते थे कि उन्हें कोई बड़ा मंत्री पद मिले, अब मंत्री पद उन्हें मिला उसे भी जो है उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उसको लेकर मीणा समाज में नाराजगी थी। तो क्या 4 जून के बाद किरोड़ीलाल मीणा की किस्मत खुल सकती है? किस्मत खुले नहीं खुले, अगर मुख्यमंत्री बदला जाएगा और अगर मुख्यमंत्री की रेस में किसी की बात की जाएगी तो किरोड़ीलाल मीणा है। हालांकि जातीय समीकरण मीणा है वो, तो हो सकता है कि वो रेस से बाहर निकल जाए, लेकिन रेस में जिस तरीके से उनका संघर्ष है, उनकी मेहनत है 5 वर्ष की, वो खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ भी आ जाते हैं अगर किसी को न्याय दिलाने की बात हो। अभी गंगापुर की जो घटना थी उसमें देखा था, पेपर लीक हो या महिलाओं पर अत्याचार हो या और कोई मुद्दा हो, हमेशा जो किरोड़ी मीणा है वो सड़कों पर संघर्ष करते हैं। अब दूसरा नाम कौन हो सकता है? दूसरा नाम वसुंधरा राज सिंधिया की चर्चा है कि क्या वसुंधरा युग की शुरुआत फिर से हो सकती है? क्यों हो सकती है? देखिए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होती है। वसुंधरा राज्य के नेतृत्व में 2018 का जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव था वो लड़ा गया था, 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था वो भी वसुंधरा राज के नेतृत्व में लड़ा गया था, 23 का भी लड़ा गया था,
24 का भी लड़ा गया था, लेकिन 24 में सूबे का मुखिया 23 में बदल दिया, इसलिए कहीं ना कहीं वसुंधरा को बैकफुट पे जो है लोग बता रहे थे, लेकिन 23 का जो चुनाव था उसमें वसुंधरा राज को पूरी तरह दरकिनार किया नहीं था। हालांकि कई मंच पर ऐसी तस्वीरें सामने आती थी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुंधरा राज का अभिवादन भी स्वीकार नहीं करते थे, सीधे वो आगे निकल जाते थे जब वो राजस्थान में सभा के लिए आते थे। लेकिन कहीं ना कहीं 23 का जो चुनाव था उसमें वसुंधरा राज को पूरी तरह दरकिनार हम नहीं मान सकते, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, उनकी मौजूदगी थी, लेकिन अब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के बाद एक तरीके से वसुंधरा राज बिल्कुल गायब सी हो गई। और अगर पार्टी को इतने बड़े स्तर पर नुकसान राजस्थान से होता है तो इसमें वसुंधरा राज का कद जरूर बढ़ेगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में दो बार चुनाव हुए हैं और दोनों बार भाजपा को 25 की 25 सीटें राजस्थान से मिली हैं। हो सकता है कि अगर नुकसान हो तो पार्टी फिर वसुंधरा राज की सुध कर सकती है, फिर एक बार वसुंधरा युग की शुरुआत हो सकती है। हालांकि राजनीतिक लोगों की माने तो अब गहलोत और वसुंधरा युग का लगभग अंत हो चुका है, ऐसा लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। लोगों का कहना है कि भाई नए युवाओं को अब मौका मिलने वाला है, भजनलाल शर्मा बन गए हैं। अब तीसरा नाम की चर्चा अगर हम करें, बाबा बालकनाथ की चर्चा विधानसभा चुनाव से पहले से चल रही थी और वो खुद भी कह रहे थे कि मुझे ये चुनाव इसलिए नहीं लड़वा रही पार्टी, सांसद हूं मैं और मुझे विधानसभा का चुनाव लड़वा जा रहा, तो इसलिए नहीं कि मैं विधायक बनकर रह जाऊं। हालांकि सच है कि वो विधायक बनकर रह गए, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में भले ही पार्टी की तरफ से उनकी चर्चाएं हो या ना हो, लेकिन लोगों में उनकी चर्चाएं थी। तो क्या बाबा बालकनाथ का भी जो है मुख्यमंत्री की रेस में जिस तरीके से नाम विधानसभा चुनाव से पहले चला था, तो क्या बाबा बालकनाथ की भी किस्मत खुल सकती है? लेकिन इन सबके बाद एक नाम ऐसा है जिस पर कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम वो खुद हैं, बड़ा पद उन्हें दिया गया है, वो राजस्थान का वित्त मंत्रालय उनके हाथ में है, तो चर्चा दिया कुमारी की भी है। ये चर्चा इस रेस के अंदर सबसे आगे, आप कह सकते हैं कि दिया कुमारी सबसे आगे इस रेस में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि दिया कुमारी भी वो नेता हैं भाजपा की जिनकी चर्चा मुख्यमंत्री पद के लिए पहले से चल रही थी, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया और एक बड़ा मंत्रालय उन्हें सौंप दिया गया। तो क्या दिया कुमारी होंगी राजस्थान की 4 जून के बाद मुख्यमंत्री? अब इसकी भी चर्चाएं तेज हैं और लोग मुख्यमंत्री की रेस में अगर राजस्थान में बदलाव होता है तो सबसे प्रबल दावेदार जो है उनकी लिस्ट में सबसे आगे दिया कुमारी को माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि राजस्थान से भाजपा की कितनी सीटें आती हैं और अगर नुकसान होता है तो क्या मंत्री और मुख्यमंत्री पर गाज गिरेगी, और अगर गिरती है तो कौन नए मुख्यमंत्री होंगे और कौन राजस्थान के नए मंत्री हो सकते हैं, ये इस बात का इंतजार है और चुनाव परिणाम का भी इंतजार है। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।